इज NLEP, दैट इज नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम. इसको हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन में देखते हैं, सेकेंड कंपोनेंट्स, थर्ड मेजर इनिशिएटिव्स, देन फोर्थ DPMR, फिफ्थ है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर 12th प्लान, देन सिक्स्थ है प्रोग्राम स्ट्रेटजी, देन सेवन्थ है केस डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट, एट्थ है स्पर्स लेप्रेसी अवेयरनेस प्रोग्राम, एंड नाइन्थ है सर्वे एजुकेशन एंड ट्रीटमेंट सेट स्कीम, एंड टेंथ है इंसेंटिव टू पेशेंट. तो फर्स्ट इसमें है इंट्रोडक्शन. NLEP क्या होता है? सेंट्रली एडेड प्रोग्राम है जो कि अचीव करने के लिए, कंट्रोल ऑफ लेप्रेसी को अचीव करने के लिए बनाया गया है अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस के थ्रू, और DDS मीन्स टैप्स ऑन वाटर थेरेपी से एम्बुलेटरी बेसिस में. सो NLEP सेंट्रली एडेड प्रोग्राम टू अचीव कंट्रोल ऑफ लेप्रेसी थ्रू अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस एंड टैप्स ऑन वाटर थेरेपी ऑन एम्बुलेटरी बेसिस, OPD बेसिस पे एम्बुलेटरी मतलब. देन सेकेंड कंपोनेंट्स इसके क्या है? फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड इंटीग्रेटेड लेप्रेसी सर्विसेज, सेकेंड फंक्शनरीज कैपेसिटी बिल्डिंग, थर्ड IEC, फोर्थ PDMR एंड फिफ्थ मॉनिटरिंग. सो फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड इंटीग्रेटेड लेप्रेसी सर्विसेज देना, मतलब स्टेट वाइज देना सर्विसेज को एट ग्राउंड लेवल. देन सेकेंड फंक्शनरीज की कैपेसिटी को बिल्ड करना, थर्ड IEC मतलब इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, देन फोर्थ DPMR है दैट इज डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड रिहैबिलिटेशन, देन फिफ्थ मॉनिटरिंग एंड मॉनिटरिंग प्रोवाइड की जा रही है उसको कैसी चल रही है वो. देन थर्ड मेजर इनिशिएटिव है जिसमें फर्स्ट केस डिटेक्शन, सेकेंड DCR, थर्ड DPMR, फोर्थ आशा रिपोर्ट एंड फिफ्थ आशा एक्टिविटीज, एंड सिक्स्थ है IEC कैंपेन. तो फर्स्ट केस डिटेक्शन को इसमें बढ़ाना है मेजर इनिशिएटिव्स में, सेकेंड ट्रीटमेंट कंप्लीशन रेट को, देन थर्ड डिजीज प्रिवेंशन मेडिकल रिहैबिलिटेशन. तो इसमें फर्स्ट ड्रेसिंग मटेरियल, सेकेंड MCR फुटवेयर, थर्ड 5000 इंसेंटिव एंड फोर्थ RTS इंसेंटिव. तो फर्स्ट ड्रेसिंग मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं लिपस्टिक पेशेंट्स को, सेकेंड माइक्रोसेलुलर रबर फुटवेयर प्रोवाइड करते हैं, देन थर्ड 5000 इंसेंटिव देते हैं अफेक्टेड फैमिली को, एंड फोर्थ रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी जो कराए रहते हैं पेशेंट उनको भी इंसेंटिव देते हैं 5000. देन फोर्थ उसमें आशा वर्कर्स को इन्वॉल्व करते हैं, एंड फिफ्थ आशा की एक्टिविटीज़ क्या होती है? सस्पेक्टेड केस को सर्च करना, सेकेंड सेल्फ केयर, एंड थर्ड अवेयरनेस. तो सस्पेक्टेड केस को सर्च करना उसमें एपिसोड आता है, दैट इज आशा बेस्ड सर्वेलेंस ऑफ फॉर लेप्रेसी सस्पेक्ट्स. देन सेकेंड सेल्फ केयर को प्रमोट करती है आशा, एंड थर्ड अवेयरनेस बढ़ाती है. देन सिक्स्थ IEC कैंपेन है, तो इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन कैंपेन. देन फोर्थ है DPMR, तो उसकी एक्टिविटीज देखेंगे फर्स्ट सेकेंड टर्शरी लेवल केयर इंस्टीट्यूशंस. तो डिसीज प्रिवेंशन मेडिकल रिहैबिलिटेशन में फर्स्ट एक्टिविटीज क्या आएंगी? इम्प्लीमेंटेशन, सेकेंड इंटीग्रेशन, एंड थर्ड रेफरल सिस्टम. तो फर्स्ट एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट करना, दूसरा उनको इंटीग्रेट करना एक साथ दूसरे प्रोग्राम्स के साथ, एंड थर्ड रेफरल सिस्टम को अच्छा बनाना. देन सेकेंड टर्शरी लेवल केयर इंस्टीट्यूशन, इसमें क्या आता है? फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन CLTRI जिसको बोलते हैं, सेकेंड ICMR, थर्ड INEP सप्लीमेंट्री NH, एंड थर्ड EMR इंस्टीट्यूशन मेडिकल कॉलेज. तो फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में CLTRI आएगा, सेकेंड ICMR इंस्टीट्यूट भी इन्वॉल्व रहता है, देन थर्ड INEP सपोर्टेड जो लेप्रेसी हॉस्पिटल्स रहते हैं वो इन्वॉल्व रहेंगे, एंड थर्ड PMR इंस्टीट्यूट्स और डिपार्टमेंट्स मेडिकल कॉलेजेस के. देन फिफ्थ है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर 12th प्लान पीरियड. सो इसमें फर्स्ट लेप्रेसी एलिमिनेशन है, सेकेंड स्ट्रेंथन DPMR, एंड थर्ड डिक्रीज स्टिग्मा. सो 12th 5-year प्लान में लेप्रेसी को एलिमिनेट करना इसका टारगेट है, डिसीज प्रिवेंशन और मेडिकल रिहैबिलिटेशन को स्ट्रेंथन करना, एंड थर्ड स्टिग्मा को रिप्लेस करना. देन सिक्स प्रोग्राम स्ट्रेटेजी क्या है? फर्स्ट इंटीग्रेशन सर्विसेज, सेकेंड अर्ली डिटेक्शन कंप्लीट ट्रीटमेंट, थर्ड हाउस होल्ड सर्वे, एंड फोर्थ आशा इन्वॉल्वमेंट. तो फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्विसेज देते हैं, सेकेंड अर्ली डिटेक्शन करते हैं, कंप्लीट ट्रीटमेंट देते हैं, थर्ड सर्विस करते हैं हाउस टू हाउस, एंड फोर्थ आशा का इन्वॉल्वमेंट. देन सेवन्थ है केस डिटेक्शन मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो फर्स्ट सर्विस एक्सेस को इंक्रीज करते हैं, सेकेंड वुमेन इन्वॉल्वमेंट, थर्ड स्किन कैंप्स, एंड फोर्थ इंक्रीज अवेयरनेस. तो फर्स्ट सर्विसेज को इंक्रीज करते हैं केस डिटेक्शन के लिए, एंड वुमेन को इन्वॉल्व करते हैं, थर्ड स्किन कैंप्स लगाते हैं,
इसका फर्स्ट एम है एंड सेकेंड कैरियर विद द हेल्प ऑफ स्पर्श. सो फर्स्ट एम इसका क्या होता है, इम्प्रूव करना सेल्फ रिपोर्टिंग को और स्टिग्मा को कम करना, अवेयरनेस जनरेट करना. देन सेकेंड कैरियर किससे किया जाता है, हेल्प ऑफ पंचायत और विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कम्युनिटी से. नाउ नाइन्थ सर्वे एजुकेशन एंड ट्रीटमेंट स्कीम है, दैट इज सेट स्कीम. तो इसमें फर्स्ट RCS referral है, second research है, third rehabilitation, fourth IEC, fifth suspected case referral, sixth disability prevention and seventh ulcer care. तो ये सब इसमें सर्वे में किया जाता है, मतलब reconstruction surgery के लिए referral, second research के लिए rehabilitation भी किया जाता है, information education communication दिया जाता है, fifth suspected case को refer करता है, then sixth disability को prevent करता है और ulcer की care करता है, seventh. देन टेंथ है इंसेंटिव टू पेशेंट. तो 8,000 इंसेंटिव दिया जाता है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए पेशेंट को, सारे जो मेजर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी जाते हैं उनके लिए, और उनके फाइनेंशियल स्टेटस के इरिस्पेक्टिव को दिया जाता है. ये 2017 में ऐसा हुआ था. सो ये था एन एल ई पी.